नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और आज मैं आपको बताऊंगा अगेती खीरा की खेती कैसे करते हैं, इसकी विधि बताएंगे और इसको किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी का चयन करेंगे, कैसे खेत का तैयारी करेंगे, इसकी पूर्ण वृद्धि ए टू जेड पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आप खीरा की अगेती खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मिट्टी का चयन किए हैं, आप देख सकते हैं हम इस मिट्टी को भुरभुरे कर चुके हैं और इस प्रकार से मिट्टी को समतलीकरण कर चुके हैं। पूरे हम देखें एक इसको एक क्यारी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल मिट्टी को हम भुरभुरी कर चुके हैं और इसमें हम लगाएंगे आज खीरा के बीज लगाएंगे। तो इसको लेकर के हम इसमें एक DAP खाद, आपको बता दूँ कि इसमें DAP खाद डालेंगे और उसके बाद से इस मिट्टी को बिल्कुल समतलीकरण कर चुके हैं। और इसमें फिर हम इसके बाद से हम आपको दिखा दें कि इसके कुदाल के माध्यम से या आपके पास जो भी यंत्र है इसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके देखिए ये मेरा ये है बीज और ये खीरा के बीज है, ये देखिए हम इसकी बुआई करेंगे। हम सबसे पहले इसको भी हमको ध्यान देना होगा कि हमारे जो बीज है पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसको बीज को अच्छे तरह से क्वालिटी इसकी देख लेंगे, कोई बीज हमारा तो ख़राब तो नहीं है, नहीं तो अगर बीज में कोई कमी होगी तो बीज हमारा उगेगा नहीं तो सर हमको हमारा ज़्यादा हमको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमको बीज को देखना अनिवार्य होता है कि हमारा बीज का क्वालिटी तो सही है ना उन्नत खेती के लिए। और इसके बाद से हमारा ये है बीज, इसको आप देख सकते हैं, और ये है खीरा, ये फोटो आपकी है। तो हम आपको बताएंगे ये और इसके माध्यम से देखिए इसमें हम एक इसकी बनाएंगे, इसकी निर्माण करेंगे, इससे कुदार के माध्यम से हम बना सकते हैं और इससे खींचेंगे इसको, क्योंकि इसमें पानी ना भरे इसके लिए हम बनाएंगे। और ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुदार के माध्यम से मैंने इतना इसको झोला नुमा इसको बना चुका और इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इतना इस तरह से इसको कर लेंगे, फिर इसको हाथ के माध्यम से इसको थोड़े आप प्लेन कर लीजिए क्योंकि हमारा बीज नीचे ना जाए। और हम इसमें पानी डालेंगे, दोनों में इसमें पानी देंगे और बीच में फिर हमारा इस पर बीज लगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो चुका और इसमें अब हम लगाएंगे खीरा की खेती करेंगे या खीरा की इसमें बीज का रोपण करेंगे। तो हमारा खेत ये पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि ये जो है ये गड्ढा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा भी गड्ढा होगा तो इसमें पानी ज्यादा भरेगा तो जो हमारे बीज है वो खराब हो सकता है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए ये गड्ढा भी का एक लिमिट में होना चाहिए और दोनों तरफ से जो दूरियां है दोनों के बीच में 1 फीट की दूरी होनी चाहिए कि जो हमारा पौधा होगा इसमें उसको फलने के लिए एक सीमित स्थान मिल सके। और ये इसमें इसको आप ध्यान देना होगा इसमें जो भी खरपतवार है ये खरपतवार जो भी है इसको हम पूर्ण रूप से निकाल देंगे कि हमारा जो खेत है ये बिल्कुल साफ हो गया। अभी ऐसे देखिए हम ये बना दिए हैं और इसमें अब हम लगाएंगे खीरा के बीज की अब खेती करेंगे। आप देख सकते हैं तो किसान भाइयों आप भी ऐसे खेती करके कम खेतों में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं खीरा की अगेती खेती से, क्योंकि अगर इसके लिए जो अगेती खेती है इसके लिए इस प्रकार से हम करते हैं। और देखिए कितना अच्छे से ये झोला बना लिए हम, देखिए ये कर लिया और अब हम करेंगे इस पे खीरा की खेती करेंगे। और ये देखिए पूर्ण रूप से मेरा हो चुका है, अब तैयार हो गया मेरा खेत तैयार हो गया और अब हम इसमें बीज की लगाएंगे खीरा की। और आप वो भी देख सकते हैं ये पूर्ण रूप से देखिए ये हमारा तैयार हो गया, ओके हो गया। अब इसमें आप देखिए हम इसमें करेंगे बीज का अंकुरण करेंगे, बीज लगाएंगे और इसकी सिंचाई कैसे करेंगे ये आपको बताएंगा मैं। लगाते समय इसमें ध्यान देना होता है, इसके एक मुंह होता है इसको ऊपर होना चाहिए। तो अभी देखिए ये मेरा बीज है, आप देख सकते हैं बीज की क्वालिटी देख सकते हैं, ये बीज का चयनित मैं कर लिया हूँ, बिल्कुल एक एक बीज को देख लिया हूँ इसमें कोई खराब नहीं। अब हम यहाँ बीज लगाएंगे इस प्रकार से बीज हम लगा दिए, देखिए हम बीज का रोपण कर रहे हैं।
यहाँ लगा देंगे, 1 फीट की दूरी होनी चाहिए, इसको हम ध्यान में रखें। अरे सीन निकल गया और धोकर ये हो गया, और इस तरह से हम पौधों की बुआई करेंगे। ये देखिए ये है पाइप, और इसको सीधे में निकाल रहा हूँ ऐसे कर रही हूँ, और इसके माध्यम से खेतों तक पानी पहुँचाएंगे। ये देखिए ये ये देखिए हम इसमें पानी दे रहे हैं, सिंचाई करनी इसकी, इस तरह से इसको सिंचाई कर देंगे। मैं सिंचाई कर रहा हूँ, और आपको ये ध्यान देना होगा कि पानी इतना लिमिट होना चाहिए कि बिल्कुल ऊपर ना चढ़े हमारे इसी स्पोर्ट्स पर पानी ना जाए, क्योंकि अगर इस पर जाएगा तो ये दब जाएगा, तो इसको ध्यान रखना होगा। जैसे देख सकते हैं खेतों में बिल्कुल पानी के तो ऊपरी सतह पर नहीं गया है, और ये इसलिए कि ये सॉफ्ट रहे क्योंकि बीज अंकुरित होने में आसानी होगी। और मैं सिंचाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना अच्छे से सिंचाई हो रहा है। और इस तरह से अगर आप इस विधि से फसल बीज लगाते हैं तो अच्छे फसल अच्छा अंकुरित होगा, और अच्छे क्वालिटी के साथ 5 दिनों में ही स्नोफॉल आएगा। धन्यवाद।